छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। लड्डू, मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि सुई बनाने वाले अगर इसका सुराख थोड़ा बड़ा बना दे तो उनका क्या जाएगा। लड्डू, मैं ये नहीं सोच रही, मैं कुछ और सोच रही हूँ। हाँ, क्या सोच रही है बताएं। अब ये है कि शादी इतनी बुरी चीज भी नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है ना, है ना। जरा खुल के बताएं क्या कहना चाह रही है। तुम जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं सोच रही। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही। वाह, क्या सोचे। हनी, इस काम में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कमीशन पूरा लूंगा। कमीशन? कैसा कमीशन? हनी, तुम ना करो मगर मुझे करने दो, तुम्हें सवाब मिलेगा और मुझे पैसे। लड्डू, पर ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल नहीं। इसमें क्या गलत बात है? किसी की जिंदगी बनाने में अगर मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाता तो उसमें क्या बुरी बात है। अच्छा, ये भी ठीक है, मगर तुम देख लो, तुम कुछ गड़बड़ मत करना। हनी, मुझ पे इतना सा तो भरोसा कर ले। बिल्कुल नहीं है, मगर बस कोशिश करूंगी थोड़ी बहुत, अगर हो सका तो। लारे ला। अबे आलू भी कैसे कैसे आ रहे भाई। ससुर जी। हाँ। ससुर जी, एक काम है। अबे कोई काम वाम नहीं भैया, मैंने खाना बनाना है यार। छोटा सा काम है ससुर जी, ये लाउंज ठीक करना है। हैं? तो मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं, हम ऑफिस खोल रहे हैं। हाँ? अबे ऑफिस किस चीज का? रिश्ता करवाने का। अबे यहाँ पुराने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तू नए रिश्ते कराने के चक्कर में यार। अरे वो नहीं, ये शादी वाले रिश्ते, मैरिज ब्यूरो। ओ, तानी बेगम को मालूम हो गया ना, तो तेरे साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगी वो। अरे मम्मी हुजूर कुछ नहीं कहेंगी। वो क्यों? ये काम हनी शुरू कर रही। अच्छा अच्छा, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? क्योंकि घर बैठे कमाने का मौका जो हाथ आ रहा है। मतलब कैसे भाई? देखे, हनी तो ये काम कर रही है सवाब की नियत से, लेकिन मैंने कह दिया हनी को, देखो भाई अगर हम रिश्ता लेकर आएंगे तो हम तो कमीशन खाएंगे। अरे यार, आइडिया तो अच्छा है यार। अगर आइडिया अच्छा है तो मुंह क्यों लटकाया? अबे तुम्हारा हर आइडिया शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो कुछ का कुछ बन जाता। अच्छा सोचे तो अच्छा होगा। होगा ना, बस चले ना, चल के सफाई करें ना। सर देख ले, चले। क्या बात है भाई, बड़ी मेहनत हो रही है, खैर तो है भाई? जब ऑफिस खोलना है तो सफाई का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। ऑफिस? कैसा ऑफिस? अरे मम्मी जी, हनी ने आपको नहीं बताया? नहीं तो भाई कमाल करती है हनी। अरे भाई हनी कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ लड्डू, क्यों चिल्ला रहे हो? हनी, तुमने मम्मी जी को नहीं बताया कि हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं? अरे हाँ मम्मा, वो मैंने ना मैरिज ब्यूरो का काम शुरू किया है, मुझे इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे काम करना है सारा। मगर हनी तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? अरे घर में पैसे की कोई कमी है? मामा, मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब बस सवाब के लिए कर रही हूँ, अच्छे नियत से कर रही हूँ। अच्छा वाकई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई बड़ी खुशी हुई बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। मुझे भी बहुत फख्र है भाई। पर बेटा घर बैठे तो कोई भी नहीं आएगा, तुमने कोई इश्तहार भी दिया या नहीं? अरे वो सोशल मीडिया है ना, उसमें मैंने ऐड चला दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कोई ना कोई जरूर आएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, ठीक है? और हाँ, जो भी काम करना ना ध्यान से करना। हम ध्यान रखेंगे, आप जाइए। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लड्डू जल्दी करो, कोई आने वाला होगा, जल्दी करो। ठीक है ठीक है ठीक है, तकरीबन हो गया। हाँ हाँ कर दिया। नीचे भी किधर है, किधर है? हाँ भाई कहाँ है, कहाँ है सब, क्या हो रहा है ये? अबे ओ भाई, ओ ओ ओ, क्या हुआ प्यारे मियाँ? गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरे हो क्या रहा है प्यारे मियाँ? अरे यार, एक खूबसूरत आदमी पप्पू लौंडा है, रंडवा घूम रहा है, और तुम लोग दूसरों के रिश्ते करवा रहे हो। अबे जिंदगी में एक तजुर्बा करके सबक हासिल नहीं किया तुमने, तो ये दूसरी शादी कर रहे हो? ज्यादा प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो। लड़की? बेवा बोले, बेवा। हाँ भाई जो भी है भाई, जल्दी से ढूंढो।
प्यारे मियां ये काम हम मुफ्त में नहीं कर रहे हैं। मालूम है मुझे, कमीशन मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा भाई जल्दी करो, कोई तस्वीर तो दिखाओ लड़की की। ओ देखिए प्यारे मियां, हमने आज ही तो ऑफिस खोला है, तो कुछ तो वक्त लगेगा ना। वक्त भाई? वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है? खबरदार तमीज से बात करें मेरे साथ। अरे प्यारे मियां आप फिक्र ही ना करें, आप मुझे बताएं आपको किसने बताया कि हमने ये काम शुरू किया है? असल में मैंने, हनी है ना, उसको मैंने फेसबुक पे ऐड किया हुआ है। अरे वो अपनी हनी बेटी। अबे अपनी नहीं, मेरी है हनी बेटी। हाँ यही मतलब था मेरा। प्यारे मियां आप हमें 3-4 दिन का वक्त दें, आपके लिए मुनासिब रिश्ते का इंतजाम हो जाएगा। 3-4 दिन? भाई इतना वक्त नहीं मेरे पास, 3-4 घंटे ले लो। अबे क्या गाड़ी ठीक कराने आया हो कि 3-4 घंटे में गाड़ी ठीक हो जाएगी? है भाई मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को मैं आ जाऊंगा, ठीक है? रिश्ता तैयार होना चाहिए कोई भी, बता रहा हूँ। भाई भैया क्या मुसीबत आ गई यार? अरे इनको सीरियस लेता कौन है, छोड़ो आप फिक्र ना करें, आप आए मेरे साथ, आए आजे आजे। यार क्या चक्कर, आदमी इस किससे शादी करेगा कौन यार? लड्डू लड्डू लड्डू। जी हनी। कहाँ तुम, जल्दी जाओ बाहर, खा तो नहीं बाहर। हाँ तो लड्डू गेट पे खड़ी है, जल्दी जाके लेकर आओ। और हाँ सुनो, बहुत इज्जत से लेके आना उन्हें। आप फिक्र ही ना करें, मैं उनको बा इज्जत बा मुलाजा होशियार लेकर आऊंगा। जाओ जाओ। आइए आइए आइए, पधारिए, वेलकम टू आवर मैरिज ब्यूरो, प्लीज प्लीज। तुम बैठिए। अच्छा तो आपको है अपने रिश्ते की तलाश? जी मुझे ही तलाश है। क्या नाम है आपका? लड्डू। आप नाम तो पूछना ही चाहिए ना। जी मेरा नाम है शोना। भाई बहुत ही खून खराबे वाला नाम है आपका। लड्डू ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं खुद भी ऐसी ही हूँ, ऊपर से शोला और अंदर से गोला। खैर आप मुझे ये बताइए, आप किसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? अपने लिए और किसके लिए? क्या मैं समझा आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं? लड्डू तुम चुप रहो। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले कभी आपकी शादी हो चुकी है? जी 3 दफा। तो फिर क्या हुआ तीनों दफा? मर गए तीनों। भाई अब इस शोले से कौन कितनी देर तक बच सकता है? नहीं तीसरे वाले शोहर को तो अगवा कर लिया था और फिर वो वापस ही नहीं आए। बेचारा। काहे का बेचारा, वो तो मजे से अगवा हो गया, मैं ही बेचारी भूखी प्यासी बैठी उसका इंतजार करती रह गई। हाँ ये भी है, सही कह रही हैं आप। ये कौन है? ये गुलाम है। मेरा नाम गुलाम है। आप मेरी गुलामी में आना पसंद करेंगे? जी। ये क्या बोल रही हैं आप? ये मेरे पापा हैं। क्या हो गया पापा, दूसरी शादी नहीं कर सकते क्या? कर सकते जी, कर सकते हैं बिल्कुल। लड्डू पापा आप दोनों को क्या हो गया? आप देखिए शोरा जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी फिलहाल घर जाइए, आपके हिसाब से जो भी रिश्ता होगा मैं आपको बता दूंगी। जाइए। चलिए ठीक है, जाइए बाय। चला जो भड़के दिल मेरा तड़पे। लड्डू पापा ये आप दोनों क्या कर रहे थे? ट्राई कर रहे थे। तिराई कर रहे थे। ट्राई मम्मा। चला जो भड़के लड्डू। जी जी दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। ये नहीं मैं शोला हूँ। हाँ हाँ जी, अरे हमारा ये काम है भैया, बिजनेस है, इंतजार करेंगे हम, आ जाइए आ जाइए। चले लड्डू। ओ लड्डू। अरे क्या हो गया सुसर जी? लड्डू बैठ जा। क्यों शोर कर रहे हैं? बड़े नवाब साहब यहाँ आ रहे हैं अपने रिश्ते के लिए। बड़े नवाब साहब, ये तो तगड़ी पार्टी लगती है। जाहिर है यार, एक तो नवाब और ऊपर से बड़े। है कहाँ? अब आने वाले। आ गए मेरा ख्याल है। मैं लेके आता हूँ, तुम बैठो। अब मैं आता हूँ लेके। कहाँ है नवाब? नीचे देखो। ये है बड़े नवाब। हाँ हम हैं बड़े नवाब। आइए ना, आइए, खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाएंगे। इसमें कोई शक है?
आपको देख के शक की गुंजाइश ही नहीं रही बल्कि यकीन हो गया। लेकिन किस बात का यकीन? देखे ना, ये कहते हैं ना लोग कि भाई मेहनत कर करके आदमी घिस जाता है। आज मालूम हुआ, यकीन हो गया बल्कि कि नवाबी कर करके भी आदमी घिस जाता है बल्कि मेहनत करने वालों से ज्यादा घिस जाता है। मेरी इज्जत थोड़ी है ये बेइज्जती। मैं यहाँ रिश्ता लेने आया हूँ। किसका रिश्ता? पहले लड़की पैदा तो होने दे। आप लोग जानते नहीं है मैं नवाब हूँ। अरे जानते हैं भाई, जानते हैं यार। नवाब साहब आप जा रहे हैं या बिल्ली बुलाऊं आपको भगाने के लिए? और महल्ले में बिल्लियां भी बहुत पली हुई हैं। ओ, मैं अपने रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे जाओ, पहले अपना स्कूल खत्म करो, तब तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। चलो चलो, आप तुम्हें छोड़ कर आऊँ। चलो चल रहे हो या तुम्हें मैं छोड़ कर आऊँ? छोटे नवाब है पूरे, पूरा पैकेट है वैसे। नवाब साहब चले आज चले। आइए आइए, आपको वेलकम करते हैं अपने मैरिज ब्यूरो में। जी सोफे पे बैठिए, सोफे पे तशरीफ रखिए प्लीज। जाहिर है, जाहिर है भाई, सोफे पर ही बैठेंगे, जमीन पर तो बैठने से रहे। ससुर जी, हनी, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आइए। नहीं नहीं हनी, हनी नहीं, मिठाई तो बाद में, पहले लड़का देख लें, बात तय हो जाए मिठाई बाद में खाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझे, हनी मेरी बेगम का नाम है और वो इस मैरिज ब्यूरो की मैनेजर है। बताइए आपको किसके लिए रिश्ता चाहिए? ये मेरी बहन है शेरबानो, इसके लिए। मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरे इशारों पे नाचे, मैं जो बोलूं जब बोलूं मेरे सारे हुक्म माने। तो आपको शौहर की नहीं, रोबोट की जरूरत है। और हाँ, आजकल चाइना के इंसानी शक्ल में रोबोट आ रहे हैं ना, बस अगर आप कहें तो वहाँ से एक मंगवा दें आपके लिए। मजाक कर रहे हैं आप, जानते हैं हम हैं कौन? अरे चुप हो जाओ तुम लोग। चुप करो, ये मुझसे कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे थोड़ी कहा, मैंने तो इन दोनों को कहा है। अच्छा फिर ठीक ठीक। अच्छा अब आप लोग हमें लड़के दिखाएं। हम क्यों लड़के दिखाएं भाई, अगर लड़ाई दिखनी तो अखाड़े में जाएं, यहाँ क्या करें? लड्डू करो। देखिए फिलहाल तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, मगर एक मिनट। देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर मेरा और मेरी बहन का वक्त जाया हुआ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कोई लड़की वड़की मिली या नहीं? ये लोग कौन है? जी हम अपनी बहन के रिश्ते के लिए आए। लड़का आपके सामने बैठा है और आप यामा देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी, ये शादीशुदा है, शादीशुदा। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई। बिस्मिल्लाह जी दी, मुझे लड़का पसंद है। क्या? लो भाई देखा, खूबसूरती को अकलमंद इंसान ही पहचानता है। लो जी फिर डन हो गया, रिश्ता डन हुआ, हम जरा जा रहे हैं, कागजात जमीन के हैं वो चीटी कराने, शाम को इंशाल्लाह आते हैं मिठाई लेकर। आओ दी आओ। अल्लाह हाफिज। देखा इसे कहते हैं हीरे की पहचान जोरी ही जानता है। मुबारक हो भाई। ना करो, लोग समझेंगे पता नहीं यहाँ तबला बज रहा है क्या हुआ। भाई मुझे तो अपने भाई के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में बिल्कुल हूर जैसी हो। तो इसके लिए तो एक काम करना पड़ेगा, आपके भाई को इस जहाने फानी से कूच करना पड़ेगा। ओफो तुम चुप करो, मैं समझाती हूँ। देखिए हमें अपने भाई के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, जिसके लंबे लंबे बाल हो, नीली नीली आँखें और गोरा रंग हो, और हाँ तालीम में कम से कम मास्टर्स हो, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, और महीने के 2-3 लाख की जॉब भी हो। मगर ऐसी लड़की शादी करके अपने आप को क्यों बर्बाद करेगी? तो आप मुझे बताइए कि आपका भाई करता क्या है? अरे हमारा भाई क्या बताऊँ आपको, वो सब कुछ कर लेता है। पूरी पूरी रात जाग के बाहर रह लेता है दोस्तों के साथ। पूरी पूरी रात जाकर इंटरनेट पर लगा रहता है। और अगर 2 दिन मिले सोने के लिए तो 2 दिन तक सोता रहता है। कोई अच्छा काम भी करता है वो? हाँ ना, अच्छी अच्छी बातें करता है। वैसे आप लोग ख्याली दुनिया के अलावा, अब मेरा मतलब है आप लोग की रिहाइश कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ सामने बस्ती में। हाँ बस्ती में, और ख्वाहिशात इतनी बड़ी बड़ी। इससे क्या होता है, ले दे के हमारा एक ही भाई बचा है, एक अब्बा थे,
अम्मा उन्हें भी जुए में हार गईं। बस अब भाई के आसरे पर ही हमारा मुस्तकबिल लगा हुआ है। मैं समझ गया। असल में कोई जुआरी लड़की का रिश्ता आया ना, तो मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोग एक काम कीजिए, अब आप लोग जा सकती हैं, जाइए। अच्छा सुने, अगर लड़की बाहर की हो ना तो और भी अच्छा है। दीदी मैं समझ गया आपको किस किस्म की लड़की चाहिए। अच्छा अब आप लोग जाइए। बता दूंगी आपको कोई आई तो। बाय। अरे बेगम मुबारक हो, बेगम मुबारक। किस बात की? भाई हमने पहला रिश्ता पक्का कर दिया। अच्छा हा? ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। हाँ ना, ये ले मामा मिठाई। पहले ये बताओ कि लड़की कौन है और लड़का कौन है? लड़की है चौधरी की बहन। वाह भाई जबरदस्त, क्या बात है। और लड़का? सर जी आप बताए ना। वो अपने प्यारे मियाँ है ना, वो टकले। वो कौन प्यारे मियाँ? अरे अपने मोहल्ले में पड़ोस में नहीं रहते प्यारे मियाँ। क्या ये प्यारे मियाँ, ये अपने पड़ोसी? बस ये शादी हरगिज नहीं होगी। क्यों मामा, होने देना, क्या पता वो अपनी पहली बेगम से बेजार हो गया, बस ये शादी होगी। अरे मैं हाजरा के साथ हरगिज ये ज्यादती नहीं होने दूंगी, और प्यारे मियाँ के दूसरी शादी का ख्वाब मेरे होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता, कह दे रही हूँ मैं। खत्म कर दो इस शादी को। अरे छोड़े ना बेगम। रखे फौरन, रखे मिठाई को नीचे। मम्मी जी जाने देना। मामा प्लीज प्लीज प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता, इस रिश्ते को फौरन खत्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह दे रही हूँ। मगर बेगम। अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना, मैं किसी औरत के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुन लिया ना? मम्मी जी वो चौधरी की बहने मार देगा मैं। अरे होंगे चौधरी हो या कोई भी हो, बस खत्म कर दो इस रिश्ते को, मेरे होते हुए ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। चलो निकलो यहाँ से, उठाओ इस मिठाई को, जाओ यहाँ से, जाइए आप भी। शादी कराएंगे प्यारे मियाँ की। जाइए आप भी यहाँ से। क्या करें ससुर जी, मुझे तो लगता है हमारे नसीब में नहीं है कोई काम अच्छा होना। यार ये औरत मुझे खुश देख ही नहीं सकती। आपको अपनी खुशियों की पड़ी है, ये सोचे कि चौधरी साहब को क्या बोलेंगे, कैसे मना करेंगे उनको। अबे हाँ यार, वो तो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? जरा तानी बेगम साथ देंगी? तो अभी तक उन्हीं की तो मान रहे हैं, और अगर नहीं भी मानी तो हनी है ना उनको मनाने के लिए। चलो ठीक है। भाई ये सब कैसे हो गया? तो शादी से पहले ही बेवा हो गई। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? आप हैं कौन? मैं इस घर की मालकिन। और ये जो तस्वीर में है, ये आपके कौन है? ये तो मेरे प्यारे भाई हैं। हाय हाय, 2 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले। 2 साल? ये तो अभी दोपहर को हमसे मिले थे, यहाँ आए थे तो। कहाँ? इसी घर में। ये सब लोग यहाँ? भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं? हम क्या बताएं, हम तो चुप थे भाई। हाँ सही कह रहे हैं। मुझे लगा शायद आपने प्यारे मियाँ का भूत देख लिया। हाँ ना ऐसा ही होता है, जब भी किसी की शादी की बात होती है रू आ जाती है। बस कर दो बस। अरे आज मेरे भाई की बरसी है, कितना रुलाओगे? चल चल चलो, मामला खराब लग रहा है बाबा, चलो निकले यहाँ से। चलो चलो। ऐसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? बिरयानी तो खा के जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं भाई, बिरयानी के हमारी बिरयानी ना बच जाए। चलो चलो आ जाओ। मैंने तो पसंद नहीं कर लिया। बस 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 कमाल है, क्या हो गया? अरे बे गुलाम गुलाम। अरे
रही है मुझे देखकर, भाग क्यों गए? क्या क्या है? अबे आपने तो ये बातें समझ में ही नहीं आती भाई। आप ठहरे बाबा आदम के जमाने के। इसकी बहुत सारी कॉपीज करवा के पूरे मोहल्ले में बांटे। पूरे मोहल्ले में? दोबारा कहने से मोहल्ला छोटा नहीं हो जाएगा। जब ढूंढे ना तो उसकी बहन को भी ढूंढिए। बहन छोटी नहीं हो जाएगी? अब तो अम्मा ढूंढ ले। अम्मा लड़कियाँ वो ना मुझे अमीर दादी लगती है, ऐसो वाली, बगले वाली, गाड़ियों वाली। आप करती क्या है? इंतजार। किसका? किसी अच्छे से लड़के का। एक बार वहाँ से हाँ हो गई तो यहाँ पलट कर देखेगा कौन। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां।